मुझे तो लगता है ये हमारी बिरयानी बनके तैयार है। हम अब मैरिनेशन के लिए इसमें डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे पनीर। ये गया हमारा। क्या स्वाद है यार। कुछ दिनों पहले रीवा आया था तो उसके लिए शिवम तिवारी ने एक इंतज़ाम किया है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन बाद लौटने वाला हूँ यहाँ से। तो हमारे छोटे शहरों के बाहर ऐसे ही फार्म हाउस में दस्तरखान की एक रिवायत सस्ती है, जिसमें स्वाद और जायके का रिवायत रहती है। तो उसी स्वाद और जायकों को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। पिछली कड़ियों में हमने भी कुछ काम किया था, इस कड़ी में भी कुछ करेंगे। तो मुनासिब लोगों के साथ और ये मुनासिब तैयारियों के साथ हम आए हैं, मुनासिब बर्तनों के साथ। तो तैयारियों का इंतजाम कुछ इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का ब्लॉग कुछ बेहतरीन बनने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। बिरयानी बनेगी हमारी वेज बिरयानी तो होती नहीं बाहर। ठीक है भाई, पुलाव बना रहे हैं, पर कुछ तो बनाएंगे, आप लोगों से ही सीखा है। तो चलिए आज का ब्लॉग प्रारंभ करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद दोनों है कि आज की जो बिरयानी बनने वाली है काफ़ी स्वादिष्ट बनने वाली। हमने लगभग सारी चीज़ें तैयार कर ली है, मतलब रॉ मटेरियल जो भी होता है। अभी हमें प्याज की चॉपिंग करना, सब्जियों की चॉपिंग करनी है, तो वो करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम चॉपिंग करते हैं। भैया अभी देखिए हम गाजर की कटाई कर रहे हैं, गाजर काट रहे हैं। सारा लगभग तैयार ही है। तो गाजर क्या सीन है, ऐसा कि गाजर को कैसे काटें, ये कह रहे हैं कि इसको छोटे छोटे काटो, मैं कहता हूँ थोड़ा लंबा काटो। तो भैया तो मेरा आदेश पाते ही इन्होंने गाजर के छल्ले बनाना शुरू कर दिए हैं। आ रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया? पता नहीं भाई, मैं तो बस ये सोयाबीन की बरी है। क्या है, हम वेज बना रहे हैं तो हम हर एक मटेरियल लगभग यूज करेंगे। तो सोयाबीन के जो चंक्स हैं इनको अभी हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम दही वही सब लाए हैं। दही लाए हो ना भैया? हाँ भाई, सब लाए हैं, जो भी तो सारा जो लगेगा हम सब लाए हैं। अच्छा, मैं हम लोग बिरिस्ता बनाएंगे। प्याज को लाल होने तक भूनेंगे, प्याज के छल्ले। तेल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा हो गई लगता है, पूरे घर का तेल ज़्यादा रहना चाहिए। वो कपड़ा दो जी, कपड़ा दे दो भैया। क्या कर रहे हो? लीजिए सर। भैया ये प्याज चली गई बिरिस्ता बनने के लिए। इसको कैसे, मतलब रेड होने तक के लिए फ्राई करना पड़ेगा? जाफरानी कलर आ जाए। केसर नहीं लाए हो क्या? जाफरानी सब्जी यूज कर रहे हो? केसर लाए हैं। मुझे लगता है तुम फूड कलर में काम चलाओगे। केसर लाए हैं। केसर का बजट नहीं बैठ रहा है क्या है? लोग 50 रुपए का एक ग्राम मिल रहा है। लोग बाग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है। मोनेटाइज ना होने के कारण हम केसर यूज नहीं करेंगे, हम फूड कलर करेंगे। आपको अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो भैया चैनल थोड़ा मोनेटाइज करवाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो ड्यूरेशन हमारी बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा देर तक देखना पड़ेगा। तो ठीक है, गरीबी समझिए हमारी। बिरिस्ता हमारा 50% बन गया, अभी 50% और थोड़ा सा लाल कलर आ जाए। सुगंध का एक भक्का उड़ रहा है जो आसमानों में फैल। भैया हम अब मैरिनेशन की तैयारी करेंगे। ये जो भी सब्जियां हैं और पनीर है और सोया चंक से, इसका हम मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन हम करेंगे दही में, और दही के साथ हल्का सा नींबू भी डाल देंगे। सबसे पहले तो ये हमको अलग करना पड़ेगा। चॉपिंग बोर्ड भाई जुगाड़ है, चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो ये जुगाड़ है, पर लाए हैं इस बार। पिछली बार बोला था कि नहीं है जुगाड़, तो ये सारा सब्जी अब जाएगा इसमें। दही अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेशन के लिए। ये गई दही। दही एकदम थिक सी है, जहाँ से लिया है थोड़ा महंगा जरूर दिया है, पर क्वालिटी बढ़िया मिल गई है। मेरे ख्याल से इतना मैरिनेशन के लिए सही रहेगा, बाकी हम रायता में यूज कर लेंगे बचा हुआ। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। घर से भैया जुगाड़ करके सब लाया गया था। ये रहा थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ में ही हल्का सा गरम मसाला, तो ये सारा डाल देंगे। ये गया इसमें, ये गया हमारा बिरयानी का मसाला। थोड़ा सा बचा लिया इनिशियल में, जब हम चावल की लेयरिंग करेंगे तब थोड़ा सा डालने के काम आएगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है, नमक भी हम घर से लेके आए थे। ये इतना सारा नमक हम घर से लेके आए थे, सब जुगाड़ है भैया। नमक के बाद अब हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम घर से जुगाड़ करके लाए थे। सारा चीज़ हम घर से जुगाड़ करके लाए थे।
की पत्ती डालेंगे। हमें मिंट मिला नहीं, क्या ही ठंडी का सीजन है तो इस टाइम पे पुदीना मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो पुदीना नहीं मिला। तो अब इसको सबको हम मिलाएंगे। चावल को हाफ कुक करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये पानी डाल रहे हैं हम। पानी का अंदाज़ा पता है ना कितना करना है? इसमें डालेंगे हम नींबू का रस, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये काली मिर्च, पत्ता डाल दिया, थोड़ा नमक। और इसमें नमक थोड़ा नहीं डलता, इसमें नमक बेइंतहा नमक रहेगा, जैसे कि समंदर का पानी। पानी अब हमारा एकदम खौलने लगा है, तो अब इसमें हम चावल डालेंगे। जो चावल है वो लगभग 90-80% के बीच में हो गया है। हाँ, ये एकदम खिले खिले चावल, खिले खिले चावल हो गए। अब इसको हम छान लेंगे। अब हमारा खड़ा मसाला है और इसको हम अब डालेंगे। इसमें बहुत सारा मसाला है, ये गया इसमें और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें से हम कुछ मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी बहुत डाल देता हूँ। ये इसको हम करने देंगे। उधर लहसुन में हम अब टमाटर डालेंगे। क्या है, थोड़ा सा दही मुझे लगा खट्टा नहीं है तो मैंने टमाटर भी काट लिया है, खट्टापन के लिए सही रहेगा। ये क्या हमारा टमाटर। इसमें अब हम मैरिनेशन डालने लगे हैं। मुझे तो लगता है ये एक नंबर की बिरयानी आज बनने वाली है। देखिए ये अभी से तेल ये छोड़ना स्टार्ट कर दिया, मैरिनेशन तो बहुत बढ़िया हुआ है भाई, एक नंबर का दिख रहा है मुझे। इसको थोड़ी देर अब हम पकने देंगे। इसको मैं सोच रहा हूँ कि ढक देता हूँ, थोड़ी देर इसको अपने ही आँच में पकने देता हूँ। बिरयानी का बेस लगभग बन के तैयार है। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इस पर अब हम करेंगे लेयरिंग। लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम डालेंगे चावल। चावल के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए आप देखिए क्या क्या अब हम डालते हैं। अभी जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म है हम भैया, ये रही हमारी कलछुली। ये हमारा दूसरा लेयर जा रहा है इसमें। ये हमारी लास्ट लेयर है, इसके बाद हम नहीं डालेंगे इसमें लेयर। इसमें थोड़ा सा अभी बरिस्ता जो बचा तो वो भी डाल देंगे। लास्ट में थोड़ा सा नींबू जो बचा था। ये गया नींबू। और हमने लास्ट में एक शाही पनीर का मसाला जो होता है वो मंगा लिया था कि डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बिरयानी जो मसाला होता है खुद से प्रिपेयर नहीं किया था, बाजार से मंगाया था, वो तीखा होता है, उसमें काली मिर्च की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ऊपर से डाल देंगे, बहुत बढ़िया स्वाद बनेगा इसमें। देखिए इस आदमी को, ये सिर्फ खाने के लिए आता है, सिर्फ खाने के लिए आता है, कुछ नहीं करवाता है, सिर्फ खाने के लिए आता है। अभी पकने में थोड़ा टाइम है, पक जाए उसके बाद फिर इन भूखड़ों को देंगे। ये लड़का कुछ नहीं करता है, ये लड़का जो है इसे खाने लिखा वाले हैं, देखते हैं पका है कि नहीं। देखिए क्या ही खुशबू आ रही है भाई, आप लोगों को नहीं आ रही होगी पर आप ऐसा बनाएंगे तो ज़रूर आएगी। मुझे तो लगता है ये हमारी बिरयानी बन के तैयार है, देखते हैं। मुझे तो ये श्योरिटी है कि ये बिरयानी बन के तैयार है। का ढक्कन जब खुला तो इसकी खुशबू का भक्का एक आसमान में ऐसे उड़ा कि अब क्या बताएं, फैल गया पूरा समा बांध दिया इसने। और ये हमारे चावल देख लीजिए आप, एकदम खिले खिले हैं, रंग बिरंगे चावल हैं।
अब इसको हम लोग सर्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एकदम इंतजाम, एकदम बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है और जाफरानी कलर भी एकदम क्या लाजवाब उतरा हुआ है भाई। ये हम अपनी बिरयानी अब हम सर्व करने लगे हैं, परसने लगे हैं। जी कैसा बना है? एकदम लाजवाब, स्वाद बढ़िया ना बिरयानी का। हाँ। भैया जी किसे साहस नहीं हो रहा, रायता भी ले लिया, सलाद भी ले लिया। शिवम कैसा बना है? हमसे तो वेट नहीं हो रहा, हम खा रहे हैं बस। स्वप्निल भाई बहुत बढ़िया बना है, आप लोग के सौजन्य से ही है। मुझे हरी मिर्च भी साथ। हरी मिर्च तो दिखाया नहीं, फ्राई वाला हरी मिर्च भाई। ये पूरा सिस्टम है यहाँ। क्या बात क्या बात, स्वादिष्ट है ना। कैप्सूल है, एनर्जी बूस्टर है हरी मिर्च। बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत सारे सलाद है, यहाँ पे रायता नहीं है तो भाई सीधा दही का ही सदुपयोग करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या ही बेहतरीन मसालों का जो मिश्रण हुआ है ना इनमें, क्या ही बताएं भाई। क्या स्वाद है यार, क्या बनाया है मैंने, अपनी तारीफ में खुद करता हूँ। पनीर के साथ थोड़ा सा चावल लिया, चावल के साथ हल्का सा ये देखिए दही लिया, दही के साथ ये बना हमारा कौर। क्या स्वाद है यार, ऐसी बिरयानी हमने पहली बार हैदराबाद में खाई थी, उसके बाद आज खाने का सौभाग्य मिला। क्या मैं साउथ में रह चुका हूँ ना, तो मुझे थोड़ा नॉलेज हो गई, ये लोग तो यहीं रहते हैं रीवा में, इनको पता नहीं। मैं घूमने गया था तब खाया था ऐसे, वैसा ही तुम्हें स्वाद मिला होगा सिमिलर। आशा उम्मीद है कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज का ब्लॉग क्या है, समाप्त कर दें? जो नहीं आया तो समाप्त। शुक्ला जी कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही स्वप्निल बोलेंगे, ये लोग खाने में इतना बिजी हैं कि ये बोलना ही नहीं चाहते हैं। तो बोलेंगे आप बताइए। ये जो आज का खाना है और ये जो खाना है और जो यहाँ लुकमो की गुफ्तगू हो रही है, इसकी रवायत और कहीं नहीं मिलती है। ये ऐसे ही जीवन में कभी कभी यकायक या इनके ऐसे लुकमो उत्पन्न हो जाते हैं और गुफ्तगु ऐसे चलती रहती है और ये चांदनी शाम ऐसे ढलती रहेगी और ज़िंदगी में ये क्षण दोबारा आने वाले नहीं। तो अभी तक अभी इस ब्लॉग का हम लोग आपसे खैर मकदम करते हैं। समझ गए, आपको उर्दू समझ आई होगी तो ठीक है, नहीं आई हो तो भी ठीक है। बाकी बिरयानी भाई बहुत स्वादिष्ट थी। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा देर तक देखिएगा। धन्यवाद।